मुंबई बोरेवली पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने बताया कि तीन दोस्तों ने होली के दिन मिलकर शराब पिया और किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया, जहां एक दोस्त ने बीच बचाव करके मामले को शांत किया, परंतु दूसरे दिन दोनों मित्रों ने मिलकर तीसरे मित्र पर लाश जूते से पिटाई कर कांच के टुकड़े से गले पर वार करके लहूलुहान छोड़कर फरार हुए, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौकाए घटना स्थल पर बोरेवली पुलिस पहुंचकर 302 का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से चेन्नई लाइव की क्राइम रिपोर्ट। कल 12 तारीख को शाम को 6:30 बजे घटना है। डीसी जो है लक्ष्मण संतोष गाड़े और उसके दोस्त है शर्मा और चवन, दो दिन पहले अजय शिंदे और बबलू सूर्यवंशी, ये एक्यूज है, इनका झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा होने के बाद उन लोगों ने इनको डराया था। उसके बाद कल तीन लोग एक साथ आए, बबलू सूर्यवंशी और अजय शिंदे, तो जो डिसीज है लक्ष्मण संतोष गाड़े, इन्होंने फर्नीचर गली में मल्हार राव कुलकर्णी रोड है, वहाँ पे BST कॉलोनी है, वही भी कॉर्नर पे उन्होंने खुद की स्कूटी गाड़ी पार्क करी थी। तो वो अजय शिंदे और बबलू शर्मा ने देखा तो उसको गाड़ी गिरा दी, तो उस टाइम वो लक्ष्मण गाड़ी आया तो उसने तुरंत बबलू सूर्यवंशी ने वहाँ पे कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था वो हाथ में लिया और जो लक्ष्मण गाड़े के गर्दन के ऊपर भोसकाया उसको। उसके बाद जो अजय शिंदे ने उसको पेट में मारा, छाती पे मारा, इसलिए उसका बेहोश हो गया, खून आ गया। तो उस दौरान उसके जो दोस्त थे लक्ष्मण गाड़े के, एक शर्मा नाम का लड़का, एक चौहान नाम का लड़का, उन्होंने तुरंत उसको पकड़ के रिक्शा में बिठाया। रिक्शा में बिठाने के बाद नज़दीकी साहिली हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए। साहिली हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा नहीं उनको, कि उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस करवा के शताब्दी हॉस्पिटल भेज दिया। शताब्दी हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ ट्रीटमेंट चालू था, ट्रीटमेंट के दौरान उसका डेथ हो गई। उसके बाद आरोपी का ढूंढने के लिए PI क्राइम घाक साहब, डिटेक्शन ऑफिसर पाटिल और उनका स्टाफ, उन्होंने अजय शिंदे और बबलू सूर्यवंशी इन दोनों को अरेस्ट किया है। अभी आज पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है।